कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक क्लब मंत्रा मेरे साथ। बड़ी जोरों की बारिश हो रही है, मस्त मौसम हो चुका है, एकदम काफ़ी शोर है बारिश का, आप लोगों को शायद सुनाई भी दे रहा होगा। और कम ही देखने को मिलता है मेरे यहाँ पे, यह ऐसा मौसम बहुत ही कम आता है, बहुत कम बारिश होती है यहाँ पे, इतना भी नहीं है कि रेगुलर बारिश होती रहे। लेकिन पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश का मौसम रहा है, तो आज भी काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, काफ़ी एंजॉय करने वाला मौसम है ये। तो आज के वीडियो के अंदर दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ एक और फेसबुक फीचर के बारे में। कल जो मैंने वीडियो डाला था उसके अंदर भी मैंने एक और फेसबुक का नया फीचर बताया था जिसका नाम था अवतार स्टिकर के बारे में था, वो आप उसको जाके देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगा। और आज के जो वीडियो के अंदर है दोस्तों वो मैं बताऊँगा कि आप मैसेंजर रूम्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये एक नया फीचर एड ऑन हुआ है फेसबुक में जिससे आप एक टाइम पे 50 बंदों के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं। तो इस फीचर के बारे में आप पूरा देखिएगा इस वीडियो को तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं और मैं लेता हूं थोड़ा सा बारिश का मज़ा, मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। तो चलिए दोस्तों एक और फेसबुक के नए फीचर के बारे में बात करते हैं आज। और ये नया फीचर है दोस्तों रूम्स का, मैसेंजर रूम्स के नाम से ये आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप अपनी फेसबुक ऐप जो है वो ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक नया टैब आपको देखने को मिलेगा आजकल क्रिएट रूम का। और ये काफ़ी सारे लोगों के जो फ़ोन है उनके अंदर अपडेट हो भी गया होगा, नहीं हुआ है अगर जिनके भी फ़ोन ऐप्स के अंदर, तो वो एक बार क्या कर सकते हैं दोस्तों अपनी फ़ोन की जो ऐप है फेसबुक वही उसको अपडेट कर लीजिएगा ताकि उसके अंदर ये ऑप्शन आ जाए। और यहाँ पर आप ऊपर भी देखेंगे लाइव फ़ोटो और उसके साथ में रूम का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ से भी आप क्रिएट रूम कर सकते हैं अलग से अगर आप बनाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर जैसे ही मैं आपको टैप करके दिखाता हूँ, टैप करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे क्रिएट योर रूम, और उसके बाद यहाँ पे आपको रूम एक्टिविटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे रूम एक्टिविटी के अंदर देखने को क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ इमोजीज दिए गए होंगे या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रूम्स की एक्टिविटी के लिए यहाँ पर दिया गया होगा, तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये रूम जो है वो किस पर्पज़ के लिए क्रिएट किया गया है। बेसिकली ग्रुप का नेम कह लीजिए आप इसको सिंपल भाषा में, तो जो आप रूम क्रिएट करेंगे उसका एक नीश बन जाएगा, उसका जो मोटो है वो यहाँ पे आप दिखाई देगा कि यानी कि अगर आप वर्कआउट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, हैंगिंग आउट बस चिल आउट करने के लिए बातचीत करने के लिए करना चाहते हैं तो इसका यहाँ पे हैंगिंग आउट जो है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नया क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप क्रिएट कर पाएंगे। और इसमें कोई भी आप सिंबल सेलेक्ट करिए और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे रूम का नेम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हु इज़ इनवाइटेड। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे फ्रेंड्स इस ग्रुप को देख पाएँ और उसको ज्वाइन कर पाएँ तो यहाँ पे आप फ्रेंड सेलेक्ट करके रखिए। अगर आप चाहते हैं कुछ स्पेसिफिकली कुछ लोग जिनको आप चाहते हैं कि वही इस ग्रुप को देख पाएँ और उसमें ज्वाइन कर पाएँ तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ग्रुप शेयरिंग का आपको इनवाइट लिंक भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिसमें आप पब्लिकली भी कोई भी बंदा आपके इस ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर पाएगा। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे स्टार्ट टाइम भी दिया गया है, यानी कि एक शेड्यूलिंग भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ग्रुप कब एक्टिवेट होगा या इसकी कब इसके अंदर आप चैट कर पाएंगे, इसको आप ज्वाइन कर पाएंगे, वो चीज़ यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। और क्रिएट रूम के ऑप्शन पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो यानी कि आपका जो ये ग्रुप की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको शेयर करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आपका क्रिएट रूम क्रिएट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आप उसको पोस्ट भी कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर कोई झंझटबाजी ज़्यादा है नहीं, इसको आप इजी टू यूज़ है ये। और मैसेंजर जो आप फेसबुक मैसेंजर ऐप है वो भी अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी आपको यूज़ करने को मिल जाएगा। फेसबुक की ये नॉर्मल ऐप जो है ये यूज़ करते हैं तो इसके अंदर भी आप यूज़ कर ही सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए कोई आपको अलग से तो ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत है नहीं, नॉर्मली जो आपका एक फेसबुक अकाउंट है उसी से आप यूज़ कर सकते हैं, कोई अलग से आपको साइनअप भी नहीं करना पड़ेगा। तो जूम वगैरह का ये काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है, अगर आप एक बार यूज़ करना चाहें तो ट्राई ज़रूर करिएगा और ज़रूर मेरे को कमेंट में भी बताइएगा अगर आपको कोई दिक्कत आती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो आपको, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबानी है ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। अगर किसी को मेरे से कॉन्टैक्ट करना है किसी वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी वीडियो को जो आप देखते हैं उसके
अंदर जो टेक्निकल चीज़ मैंने बताई है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसको आप मेरे से टेलीग्राम पर या फिर इंस्टा पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोनों के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप फॉलो करिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं लेता हूँ बारिश का और ढेर सारा मज़ा, आपको मिलता हूँ नए वीडियो के अंदर। तब तक बने रहिए टेक व्लॉग मंत्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।